गंगा की अविरल धारा की अनेक कहानी, लेकिन आज माँ गंगा की इस अविरल धारा में नाविक और जीवन की एक ही कहानी, जो शायद बरसों पुरानी है। लेकिन इस आधुनिक युग में जब बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहे हो, तो अब नाविक का क्या काम। अब तो बस लोग पुरानी यादों को ताजा करने आ जाया करते हैं इस नाविक के पास। और ये इस आधुनिक युग के बच्चे, जो शायद ये नहीं जानते, पहले नाव पर बैठना लोगों की मजबूरी थी, आज शौक है। राम प्रताप निषाद, हाँ नाव चलाता हूँ। वही कई दो महीने से लॉकडाउन की, नाव चलाना जानते थे, मैं बाहर काम करता था। हाँ भैया लोग घूमने के लिए आए नाव पे, मनोरंजन के लिए हो जाता है कुछ खाने पीने भर। पूजा में आर पार की मन्नत जिसकी रहती है, मनोकामना पूरी होती है। अच्छा। अपना आर पार का माला मानते हैं लोग, गंगा नदी की पूजा करते हैं, और उस पार और इस पार, और रस्सी है। अच्छा। आम का पल्लो फूल लगा के गंगा नदी की और नाव की दोनों की पूजा करते हैं। आए अपनी औरतें हैं जो गीत गाते हुए देवी की जाती हैं, उस पार से इस पार पूजा करके वापस लौट कर आती हैं। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, चलती रहे नाविक ये जीवन की नाव, बढ़ती रहे नाविक ये जीवन की नाव, धारा अनुकूल कभी धारा प्रतिकूल कभी, कुलकुल बदरौटी धूप कहीं छाव, चलती रहे नाविक ये जीवन की नाव, बढ़ती रहे नाविक ये जीवन की नाव। तो आज के इस छोटे से वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।